Today, I will discuss the character sketch of Helena and Wilmot in the rover. So, first of all, I will read the answer and then I will explain in Hindi so that you can easily understand the answer very well. So, let's begin. Alfra Ban, the rover, is most popular and most respected play where Ban display an awareness of the difficulties and problems women faced in her time. सो यहाँ पे जो राइटर है अफरा बहन वो उनकी द्वारा लिखा गया द रॉबर बहुत ही फेमस और मोस्ट रिस्पेक्टेड प्ले है जिसमें उन्होंने जो वुमेन है उनके प्रॉब्लम्स को उनके सफरिंग्स को उनके डिफ़िकल्टीज़ को जो वो फेस करती है उसको बखूबी इस रॉबर में दिखाया है. तो देर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द रोवर बट मेनली हेलेना एंड विलमोर कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन विथ फीमेल कैरेक्टर हेलेना. हेलेना इज द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले. सी इज सिस्टर ऑफ फ्लोरिंडा एंड डॉन पेड्रो. हेलेना इज स्ट्रॉन्ग विटी एंड ब्रेव हीरोइन. हेलेना फॉल इन लव विथ विलमोर ऑल दो हर ब्रदर डॉन पेड्रो विशेस फॉर हर टू बिकम अ नन. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हेलेना है वो इस प्ले की मेन प्रोटागोनिस्ट है और वो फ्लोरिंडा और डॉन पेड्रो की बहन भी है. हेलेना जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विटी, बहुत ही इंटेलिजेंट है और ब्रेव हीरोइन है, ब्रेव वुमेन है इस प्ले की. लेकिन ये जो हेलेना है वो उसको विलमोर से प्यार हो जाता है. हालांकि जो उसका भाई है डॉन पेड्रो वो चाहता है कि वो एक नन बन के रहे. नन मीन्स कि वो शादी ना करे, एकदम क्या बोलते हैं वो एक नन की ज़िंदगी जिए, एकदम रिचुअल में लगे रहे, उस टाइप की वो होती हैं नन जो पूजा पाठ करती हैं और इससे शादी नहीं करती. वो उस टाइप की अपनी सिस्टर को चाहते हैं बना के रखना. सी इज़ अट्रैक्टेड बाई विलमोर चार्म एंड विट एंड ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिज फ्लचरियस वे. When Wilmore swears constancy to her and is eager to bed her without any ritual, she refuses him because she believes in the purity of marriage. Helena is really a feminist in this sense. So, जब जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है विलमोर के चार्म को देख करके, उसके विटी नेचर को देख करके, लेकिन उसे डर भी नहीं लगता है क्योंकि जो विलमोर है बहुत ही फ्लटरियस किस्म का व्यक्ति है जो हमेशा गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन उससे भी वो अनजान थी. और जब विलमोर जो है वो कसम खाता है कि वो अब किसी भी गर्ल्स के साथ कॉन्स्टेंसी उसके साथ ही वो कॉन्स्टेंसी रहेगा, किसी और लड़की की तरफ नहीं देखेगा, और ये कहकर वो इसे ये भी कहता है, उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता है विदाउट मैरिज, तो जो वो रहती है हेलेना वो मना कर देती है क्योंकि वो उसे प्योरिटी ऑफ मैरिज पर विश्वास था. इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी वर्च्यू प्योर हार्टेड एंड काइंड हार्टेड वुमेन है और इस सेंस में वो एक फेमिनिस्ट भी है. In spite of this, she is the female robber in the play. She also went against her father and also brother. So she graphically described the unequal match. तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वह एक फीमेल रोवर है इस प्ले की, जो कि अपने पापा के अगेंस्ट जाती है, अपने भाई के अगेंस्ट जाती है. और यहाँ पर उन्होंने जो हेलेना है उन्होंने अनईक्वल मैच को भी डिस्क्राइब किया है. Of Florinda and Don Vincentio decided by her father for Florinda, जो उसके पापा ने फ्लोरिंडा के लिए लड़का देखा था जो कि ओल्ड डॉन वेंसेनियो था, उसके भी वो बोलती है कि इन दोनों का मैच बिल्कुल अनइक्वल है. सी ऑल्सो मेकिंग फन ऑफ द रिच ओल्ड डॉन वेंसेंटियो बाई टेलिंग सच वेड लक वुड बी वर्स देन एडल्ट्री विथ अनदर मैन. और उसका वो रिचनेस का जो डॉन वेंसेनियो था उसका मजाक भी उड़ाती है इस लाइन के द्वारा. At the end of the play, Helena has gotten what she wants. She is determined in nature and making her own decision. So, इस प्ले के अंत में जो हेलेना है वो उसे सब कुछ मिलता है जो वह चाहती है और
शी इज़ डिटरमाइंड इन नेचर, वो नेचर की काफ़ी डिटरमाइंड लड़की रहती है, स्ट्रॉन्ग नेचर की रहती है, और जो कुछ भी वह चाहती है पैशनेट लड़की रहती है, और इस तरह से अपने जो डिसीजन है वो खुद बनाती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसे जो मन करता है वो करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हेलेना का कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर की है, डिटरमाइंड किस्म की लड़की है, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंस गर्ल है, और इस प्ले की प्रोटैगोनिस्ट भी हो है। सो आई होप ये आंसर आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर ऑफ विलमोर के साथ। थैंक यू।